राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पंचम दीक्षांत समारोह में उपस्थित अति विशिष्ट अतिथिगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जोधपुर की विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थियों, विद्या बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह के पुनीत अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास उद्घोषक की भूमिका में डॉक्टर मोनिका वर्मा के साथ आप सभी को दीक्षांत समारोह के आभासी मंच पर लिए चलते हैं। जीवन का सर्वांगीण उन्नयन शिक्षा का उद्देश्य है। अभ्युदय एवं निःश्रेयस जीवन के साफल्य के मापक है। विद्यार्थी जब उद्देश्य द्वय को भली भांति हृदयंगम कर लेता है, तब पुनः गुरु द्वारा उसका परीक्षण कर उसे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने हेतु अनुशासित किया जाता है। दीयते विमलम ज्ञानम, क्षीयते कर्म वासना, दीक्षेति उच्यते। दीक्षा के माध्यम से शास्त्रोक्त ज्ञान की लोक दृष्टि विकसित करते हुए गुरु शिष्य को उपदेश करता है। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, यानवत्यानि कार्याणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इन वैदिक वाग रत्नों से मानो गुरु शिष्य के अंतस को रूपांतरित करते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनने हेतु दीक्षित करता है। भारत भूमि तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, शारदा पीठ जैसे विश्वविद्यालयों के दीक्षित विद्यार्थियों यथा चरक, नागार्जुन, चाणक्य, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त आदि दीक्षावंत विद्यार्थियों से संपन्न थी, जिन्होंने अपनी कीर्ति पताका से भारत भूमि को विश्व गुरुत्व प्रदान किया। भारत के सभी विश्वविद्यालय प्रायः इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अपनी यात्रा के 18 वर्ष पूर्ण कर रहा है। राजस्थान में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विधा का यह प्रथम एवं देश का द्वितीय विश्वविद्यालय है। मरुभूमि का द्वार कहा जाने वाला राजस्थान का द्वितीय बृहत नगर जोधपुर अपने सुंदर प्रासाद, दुर्ग एवं मंदिरों वाला प्रमुख पर्यटन स्थल है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाली यह सूर्य नगरी मानो भारतीय संस्कृति और सौहार्द का पूंजीभूत रूप है। मीरा के पद यहाँ के कणकण में मुखरित हैं। राव जोधा की संकल्पना, राजा मालदेव की कीर्ति पताका, दुर्गादास की स्वामी भक्ति, राजा जसवंत सिंह की यशोगाथा यहाँ की हवाओं में तैरती है। वहीं जोधपुर की हताई मिर्ची बड़े और मावे की कचौरी के रस से भीगी मान मनोहार मानो मिस्री को भी शर्मा दे। लाल ताजमहल यहाँ छीतर पैलेस में पलता है और मंडोर का स्थापत्य कौतूहल जगाता है। पत्थरों के शहर में अनूठी आपणायत का झरना बहता है। माँ चामुंडा के आशीर्वाद तले जोधाणा चहकता है। ओ तो यूं ही चालेला सी अलमस्ती यहाँ का मिजाज है और यहाँ मेघ भी सोच सोच कर बरसता है। सूरज यहाँ पूरे वर्ष दमकता है।
शक्ति, भक्ति और संस्कृति की त्रिवेणी सूर्य नगरी में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की संकल्पना राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब की दूरदृष्टि को ज्ञापित करती है। आचार्य चरक भी कहते हैं, मरुभूमि आरोग्य करणाम, और उसी की परिणति के रूप में आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने सूर्य नगरी के गौरव में चार चांद लगा दिए हैं। वर्तमान में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकायों के 50 विभागों के साथ यह विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के द्वारा भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में सम्मिलित है। कोविड महामारी के दुर्दांत काल में भी विश्वविद्यालय जोधाणी के सूरज की भांति कर्म पथ पर अग्रसर रहा है। विश्वविद्यालय का मानव संसाधन केंद्र नित नूतन ऑनलाइन व्याख्यान मालाओं के आयोजन में सक्रिय है। आज विश्वविद्यालय का पंचकर्म केंद्र विश्व स्तर पर उत्कृष्ट श्रेणी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण देश में प्रशंसित और जन जन में लोकप्रिय स्वर्ण प्राशन जैसे अनूठे प्रयोग बालकों को, नौनिहालों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच प्रदान करने में तत्पर हैं। गोदग्राम, घड़ाव, झालामंड एवं भटिंडा में अनेक प्रकल्पों के माध्यम से निरंतर ग्रामोत्थान के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड महामारी की परिस्थितियों में निशुल्क क्वाथ वितरण, स्वास्थ्य शिविरों के आयोजनों के द्वारा विश्वविद्यालय अपनी सामाजिक उपादेयता भी तत्परता से सिद्ध कर रहा है। विश्वविद्यालय का अनुसंधान प्रभाग अनेक नवाचारों को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ की नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित रसायन शाला में अनेक औषधियों का निर्माण हो रहा है। नक्षत्र वाटिका एवं नवग्रह वाटिका का निर्माण स्वयं में अभूतपूर्व है। गुरु शिष्य परंपरा का औदार्य विश्वविद्यालय के अध्ययनशील वातावरण में जीवंत है। यहाँ का पुस्तकालय प्राचीन शास्त्रों एवं नवीन शोध पत्र पत्रिकाओं से समृद्ध है। यहाँ आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वहीं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा यूनानी संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अभी इस विश्वविद्यालय को सुदूर यात्रा करनी है। इन यात्राओं में एक पड़ाव हमारा पंचम दीक्षांत समारोह आज माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री अभिमन्यु कुमार और कुल सचिव श्रीमती सीमा कविया के मार्गदर्शन में संपन्न होने जा रहा है। आपको आज के दीक्षांत समारोह की संक्षिप्त रूपरेखा से अवगत कराते हैं। ठीक मध्याह्न 12 बजे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय आभासी मंच पर पधारेंगे। तत्पश्चात राष्ट्रगान होगा, जिसमें सभी आगंतुक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। निरंतरता में दीप प्रज्वलन, धन्वंतरी वंदना, कुलगीत एवं संविधान प्रस्तावना के वाचन के समय भी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। इसके बाद माननीय कुलपति महोदय के स्वागत भाषण से दीक्षांत कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसके बाद प्रथम वरीयता प्राप्त स्नातकों एवं अधिस्नातकों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। तत्पश्चात विश्वविद्यालय में नव निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण तथा शोध पुस्तिका एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का विमोचन किया जाएगा। इसके बाद निरंतरता में माननीय आयुष मंत्री महोदय का उद्बोधन तथा सबसे अंत में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन प्राप्त होगा।
इसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ पंचम दीक्षांत समारोह का समापन होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पंचम दीक्षांत समारोह में आप सभी का राजभवन राजस्थान जयपुर में हार्दिक स्वागत है। इस दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय ज्वाइन कर रहे हैं, उनके सम्मिलित होते ही सर्वप्रथम राष्ट्रगान होगा, तत्पश्चात मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पंचम दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय वर्चुअल मंच पर पधार गए हैं। आप सभी से अनुरोध है राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दीप प्रज्वलन हेतु आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरवंदित पाद पद्मं लोके जरारुक भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योम वाता वनिवारिवन्निं पंच प्रपंचात्मक देहभाजं संताप संपात जराज्वरांतकं नमामि धन्वंतरि मादिदेवं। गौरव और गरिमा के प्रतीक कुलगीत हेतु आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालयो विजयते विश्वविद्यालयो विजयते सूर्यनगर याम मरुभूमा जयतु आयुर्ज्ञान पदम जयतु आयुर्ज्ञान पदम। धर्म निरते पुण्य स्वरूपे धर्म निरते पुण्य स्वरूपे आदि सुखस्य प्रणातायं विश्वविद्यालयो संस्कृतः योग कर्म सुकौशलम् इति साधयितुं सत्वरः विश्वविद्यालयो विजयते विश्वविद्यालयो विजयते सूर्यनगर्यां मरुभूमौ
जयतु आयुर्ज्ञान पदम। मोदन्ते आयुर्वेद्याः रोगः प्रशाम्यत्य साध्य जीवन्ति आतुराः सर्वे निरामया सन्तु भावसिद्धौ तत्परा। विश्वविद्यालयो विजयते, विश्वविद्यालयो विजयते, सूर्यनगर्यां मरुभूमौ जयतु आयुर्ज्ञानपदम्, जयतु आयुर्ज्ञानपदम्। ज्ञानशीलनवशोधकर्मणा अहर्निशम् उन्नतिशीलः, अहर्निशम् उन्नतिशीलः। चिकित्सा क्षेत्रे गौरवभूतो वैश्विकपटले वेश्यतः, जीवे मा शरदः शतम् इति लक्ष्यमेकं जेत्वरः। विश्वविद्यालयो विजयते, विश्वविद्यालयो विजयते, सूर्यनगर्यां मरुभूमौ जयतु आयुर्ज्ञानपदम्, जयतु आयुर्ज्ञानपदम्, जयतु आयुर्ज्ञानपदम्, जयतु आयुर्ज्ञानपदम्। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का पठन कर हम सभी को शपथ दिलाने की। आप सभी से अनुरोध है इस अवधि में अपने अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। हम भारत के लोग भारत को ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली ममता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिथि मार्च शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी प्रयत्न द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राजध्वज और राजगान का आदर करें। दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तीन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें। चार, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांच, भारत के सभी नवों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छह, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सात, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।
धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जावे और मेरे द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे? हाँ, अनुमति है। माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान कलराज मिश्र जी साहब, माननीय आयुष मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान सुभाष जी गर्ग साहब, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, आमंत्रित अतिथि महानुभाव, राज्य के समस्त संबद्ध आयुष महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, समस्त विभागाध्यक्षगण एवं संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, मीडिया बंधु, देवियों एवं सज्जनों, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पंचम दीक्षांत समारोह में सानिध्य प्रदान कर रहे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी साहब का भावभीना स्वागत है, अभिनंदन है। एक श्रेष्ठ चिकित्सक, शिक्षक, श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता के रूप में आपका प्रेरणादायी सानिध्य पाकर हम सभी को अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में गरिमामय वातावरण के अंतर्गत अनुशासनपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन अध्यापन, शोध कार्य तथा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के दिशा निर्देश हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज दीक्षांत समारोह में राजस्थान सरकार के माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष जी गर्ग साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में आपका सक्रिय मार्गदर्शन सहज होता रहता है। आपके अत्यंत सहज भाव से मेरे अनुरोध को स्वीकार कर इस दीक्षांत समारोह को गरिमा प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी गौरवमय परंपरा रही है। पूरे भारत में सर्वाधिक आयुर्वेदिक औषधालय राजस्थान में ही हैं। राजस्थान राज्य में ही नहीं, सर्वप्रथम आयुर्वेद निदेशालय की स्थापना की गई। संपूर्ण भारत में राजस्थान राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां आयुर्वेद की उन्नति के लिए प्रशासनिक स्तर पर पृथक से आयुर्वेद के शासन सचिव नियुक्त हैं। भारत की अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनः गौरवशाली स्थान प्राप्त हो, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में यह देश का दूसरा प्राचीन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त 9 आयुर्वेद महाविद्यालय, 5 होम्योपैथिक महाविद्यालय, 3 यूनानी महाविद्यालय, 15 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं 1 नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इन महाविद्यालयों में BMS, BHMS, BUMS, BNYS, MD आयुर्वेद, MD होम्योपैथी, PhD, BSc आयुर्वेदा नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी आदि पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक उन्नयन एवं कौशल विकास के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा लघु अवधि के 4 सूत्र प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, पंचकर्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जरावस्था देखभाल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय पंचकर्म तकनीशियन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय योगा एवं नेचुरोपैथी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है। विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों में लगभग 13,291 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब का विशेष रूप से आभारी है।
जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त भूमि एवं आवश्यक संसाधन प्रदान कराए और आप संरक्षक भाव से विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति के सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से यह विश्वविद्यालय आज विकास के नए आयाम छू रहा है। यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप 400 सीटों की क्षमता के एक ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय के आयुर्वेद चिकित्सालय के सर्विस ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। विश्वविद्यालय चिकित्सालय के मुख्य द्वार एवं अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य, विश्वविद्यालय चिकित्सालय के सामान्य वार्ड का निर्माण कार्य, कॉटेज वार्ड का निर्माण कार्य, 50 बेड क्षमता के पीजी छात्रावास का निर्माण कार्य, जल संशोधन प्लांट का निर्माण कार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा के भवन विस्तार का निर्माण कार्य तथा 100 बेड क्षमता के पीजी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में जारी की गई स्वीकृतियों के फलस्वरूप नवीन पीजी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य, स्नातक छात्रा छात्रावास भवन का विस्तार, संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी भवन का निर्माण कार्य, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के नवीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य, संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी के भवन का निर्माण कार्य तथा टोंक स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी के भवन विस्तार का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राजस्थान सरकार के मार्गदर्शन, संरक्षण और सक्रिय सहयोग के लिए विश्वविद्यालय परिवार हृदय से आभार प्रकट करता है। यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नवनिर्मित संविधान पार्क का आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से लोकार्पण होने जा रहा है। विश्वविद्यालय में पंचकर्म चिकित्सा हेतु संचालित पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से वर्तमान में आम जनता को उच्च स्तरीय पंचकर्म सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यहां राजस्थान के सुदूरवर्ती जिलों के साथ ही अन्य प्रांतों से भी रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय के पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से देश विदेश में आयुर्वेदी वेलनेस टूरिज्म का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस वर्ष से विश्वविद्यालय परिसर में ही यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी प्रारंभ होने जा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने हेतु पूर्व के ढांचे को सुदृढ़ करते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षकों, शोध अध्येताओं, विद्यार्थियों तथा कार्मिकों के कौशल विकास एवं ज्ञान को अद्यतन कराने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप के अंतर्गत विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा ऑनलाइन व्याख्यान मालाएँ आयोजित की गई हैं, जिनमें आयुष फार्मा कंपनियों द्वारा भी सहभागिता की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निरंतर शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से आयुष संस्थानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों के प्रसारण हेतु एक पृथक से वीडियो चैनल स्थापित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम विश्वविद्यालय के फेसबुक पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर लगभग
2200 वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र इत्यादि अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ यथास्थिति ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करने की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार्स का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के उद्बोधनों का विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शोध अध्येताओं को लाभ प्राप्त हुआ है। तकनीक के इस युग में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण की नवीन विधाओं को अपनाने के साथ साथ अनुसंधान कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख रूप से IIT जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा भारत सरकार के आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ MOU किए गए हैं। इनके माध्यम से शोध अध्येताओं को तकनीक के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में सहयोग मिल सकेगा। विश्वविद्यालय में रिसर्च बोर्ड का गठन किया जाकर उसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। साथ ही डीन रिसर्च की नियुक्ति की जाकर अनुसंधान प्रभाग को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। IIT जोधपुर के साथ भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किए जा रहे आयुर्वेद सेंटर ऑफ एक्सलेंस आयुर्टेक में विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद के कतिपय विभागों में PhD आयुर्वेद पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। होम्योपैथी संकाय में भी इसी सत्र से PhD पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से विश्वविद्यालय में संपादित किए गए शोध कार्यों पर आधारित एक प्रकाशन एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का विमोचन भी हो रहा है। कोविड-19 संक्रमण के प्रिवेंशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में आयुर्वेदिक औषधियों, वनौषधियों एवं स्वास्थ्य विषयक निर्देशों का महत्व समाज में अभूतपूर्व से सामने आया है। विश्वविद्यालय द्वारा जिले के कोविड प्रभावित सुदूर गांवों में कोविड जागरूकता एवं चिकित्सा शिविरों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। इससे आम जनता को कोविड प्रतिषेध आयुर्वेदिक औषधियों एवं क्वाथ के निःशुल्क वितरण के साथ साथ कोविड संबंधी गाइडलाइंस एवं कोविड उचित व्यवहार का पालन करने का आम जनता से आग्रह किया गया। संकलित डेटा के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि आयुर्वेद औषधियों से आम जनता का कोविड-19 संक्रमण से संपूर्ण रूप से बचाव हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में संजीवनी पोस्ट कोविड केयर सेंटर के माध्यम से कोविड काल में रोगियों को आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। यह सूचित करते हुए प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव होता है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बालकों को कोविड संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की गाइडलाइन तैयार करने हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यदल का नेतृत्व मुझे दिया गया और इस राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन को भारत सरकार द्वारा पूरे राष्ट्र में जारी किया गया। कोविड संक्रमण से बचाव हेतु आयुष के स्वास्थ्य संदेशों के साथ आम जनता के लिए भी एक पृथक गाइडलाइन तैयार की गई। विश्वविद्यालय द्वारा कोविड परिस्थितियों में उपयोगी योग प्रोटोकॉल मैनुअल योग अमृता का भी प्रकाशन किया गया। कोविड-19 संक्रमण के बचाव एवं व्यापक जन जागरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 3 गोद ग्रामों घड़ाव, झालामंड एवं भटिंडा में अनेक गतिविधियों का सफल संचालन किया गया। इन 3 गोद ग्रामों की विभिन्न बस्तियों और ढाणियों में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनसंपर्क किया गया। पोस्टर्स, बैनर्स, पंपलेट्स के माध्यम से सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं स्वास्थ्य संदेशों का भी प्रचार प्रसार किया गया। नरेगा श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर जाकर
क्वाथ वितरण एवं स्वास्थ्य चर्चाओं का भी आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इन गोद ग्रामों में निर्धारित मासिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य भी प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्वान शिक्षकों एवं शोध अध्येताओं के शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं, जो विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रशिक्षण और शोध कार्यों की परंपरा के उत्तरोत्तर विकास का सूचक है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री संगीत लोढ़ा जी एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण की गरिमा में उपस्थिति में समारोह पूर्वक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ। इसमें विश्वविद्यालय परिषद में एक लघु सघन वनौषधि वन की स्थापना कर वनौषधि पादपों का रोपण किया गया। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के गोद ग्रामों में कई हजार वनौषधि पादपों का भी रोपण किया गया। एकेडमिया इंडस्ट्री सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सहभागी बने डाबर इंडिया लिमिटेड का विश्वविद्यालय धन्यवाद ज्ञापित करता है, जो विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बाल रोग विभाग द्वारा संचालित लोकप्रिय स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम हेतु स्वर्ण भार निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम जोधपुर के घर घर में लोकप्रिय है, जिसके फलस्वरूप बालकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने तथा अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति पाने में महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई है। विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु देश के शीर्षस्थ विद्वानों के सहयोग से राष्ट्रीय स्वर्ण प्राशन प्रोटोकॉल भी विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय के इस पंचम दीक्षांत समारोह में आज वर्ष 2020 के उत्तीर्ण 779 स्नातक 194 स्नातकोत्तर एवं 17 पीएचडी अध्येता कुल 990 छात्रों को उपाधि प्रदान की जा रही है। अंत में मैं इस विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों के विकास एवं समुन्नयन के लिए श्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा सेवा, अच्छे शिक्षक, श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता एवं समाजसेवी तैयार करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग समर्पित भाव से करते हुए आयुर्वेद एवं अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों को देश एवं विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए कृत संकल्प हैं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में पधारने से इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। माननीय राज्यपाल महोदय का व्यक्ति से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय प्रदान कर विश्वविद्यालय के पथ प्रदर्शक के रूप में सानिध्य प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया है। माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष जी गर्ग के हम आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ प्रेरणा स्रोत के रूप में पधार कर हमें उत्साहित एवं अनुग्रहित किया है। अंत में मैं जनप्रतिनिधि, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद, अध्ययन मंडल, अधिष्ठाता, प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्राचार्यगण, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य निदेशकगण, समस्त विभागाध्यक्ष, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण एवं मीडिया बंधुओं सहित आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं एवं छात्रों, उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इन सभी के लिए उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं
करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एवं स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता आयुर्वेद संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूं जो आयुर्वेद संकाय में पीएचडी, एमडी, एमएस आयुर्वेद, बीएएमएस एवं बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावे। मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में पीएचडी आयुर्वेद, एमडी / एमएस आयुर्वेद, बीएएमएस एवं बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि को प्रमाणित करें। मैं होम्योपैथी संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर पंकज शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि कृपया मंच पर पधारे एवं उपाधि प्राप्त करता स्नातकोत्तर एवं स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता होम्योपैथी संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूं जो होम्योपैथी संकाय में एमडी होम्योपैथी एवं बीएचएमएस उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के होम्योपैथी संकाय में एमडी होम्योपैथी एवं बीएचएमएस की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं यूनानी संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर मोहम्मद शोएब आजमी जी से निवेदन करती हूं कि कृपया मंच पर पधारें एवं उपाधि प्राप्त करता स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता यूनानी संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूं जो यूनानी संकाय में बीयूएमएस उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के यूनानी संकाय में बीयूएमएस की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर अंकेश सिंह जी से निवेदन करती हूं कि कृपया मंच पर पधारे एवं उपाधि प्राप्त करता स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूं जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय में BNYS उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में
मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित या अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय में BNYS की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय होम्योपैथी संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक, यूनानी संकाय, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय तथा BSc नर्सिंग आयुर्वेद के स्नातक जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उनको प्रस्तुत करती हूँ। MD आयुर्वेद द्रव्यगुण बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू नेहा प्रजापति। MD आयुर्वेद काय चिकित्सा बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू राधिका संजय पुकाले। MD आयुर्वेद प्रशास्त्र एवं भेषज कल्पना बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू अमित मिश्रा। MS आयुर्वेद शल्य तंत्र बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू हिमाद्री मुदगल। MD आयुर्वेद पंचकर्म 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू प्रवेश श्रीवास्तव। MS आयुर्वेद प्रसूति तंत्र स्त्री रोग सत्र 2017 कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रियंका हजारे। MD आयुर्वेद शरीर रचना सत्र 2017 कुलाधिपति स्वर्ण पदक बसंती गर नायक। MD आयुर्वेद अगध तंत्र एवं विधि वैद्य सत्र 2017 कुलाधिपति स्वर्ण पदक उपासना मिश्रा। MD आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत सत्र 2017 कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदीप सरोज। MD आयुर्वेद कौमार भृत्य बाल रोग सत्र 2017 कुलाधिपति स्वर्ण पदक विनय शर्मा। MD आयुर्वेद शरीर क्रिया बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू प्रीति कुमारी गुप्ता। MD आयुर्वेद रोग विज्ञान बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू विजय सिंह यादव। MS आयुर्वेद शालक्य तंत्र बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू मांडवी शर्मा। MD आयुर्वेद स्वस्थ वृत्त बैच 2017 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू किरण शर्मा। बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी बैच 2014 चांसलर्स गोल्ड मेडल गोज टू ज्योति कुमारी जांगिड़। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी सत्र 2014 कुलाधिपति स्वर्ण पदक फरहीन अख्तर। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी सत्र 2014 कुलाधिपति स्वर्ण पदक नेहा हुसैन। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस बैच 2014 कुलाधिपति स्वर्ण पदक अनीता वर्मा। BSc नर्सिंग आयुर्वेद सत्र 2015 कुलाधिपति स्वर्ण पदक रघुवीर प्रसाद सुमन। आज का दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक पलों का साक्षी बन रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय से नवनिर्मित संविधान पार्क एवं संविधान स्तंभ
के लोकार्पण हेतु मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं। विश्वविद्यालय का परम सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नामक शोध पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है। विश्वविद्यालय की अनेक शोध परियोजनाओं के निष्कर्षों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यह शोध पुस्तक एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रकाशित की गई है, जो आयुर्वेद के शोध अध्येताओं, चिकित्सकों तथा शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अपने अनुरोध करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षा समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी, प्रबंध मंडल के सभी सदस्यगण, अन्य निकायों के सदस्यगण, कुल सचिव श्रीमती सीमा कविया जी, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, मीडिया के मेरे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षा समारोह के इस अवसर पर आरोग्य सेवा का संकल्प लेने वाले सभी युवा स्नातकों, अधिस्नातकों और शोध अध्येताओं को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण एवं भावना प्रधान क्षण होता है। यह वह क्षण होता है जिसमें विद्यार्थियों के औपचारिक शिक्षा के अंत की विधिवत घोषणा होती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन की भी एक तरह से शुरुआत होती है। इसीलिए मैं हर दीक्षांत समारोह में यह बात कहता हूं कि दीक्षा शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नवीन जीवन का प्रारंभ है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी परिष्कृत होकर देवता स्वरूप बन जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यो दीक्षते स देवता नामे को भवति, अर्थात जो दीक्षा लेता है वह देवों में से एक हो जाता है। मैं यह मानता हूं शिक्षक में इतनी शक्ति होती है कि वह सामान्य व्यक्ति को भी देवतुल्य बना देता है। इसीलिए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से मेरी यह अपेक्षा रहती है कि वे केवल पाठ्य पुस्तकों की ही शिक्षा विद्यार्थियों को नहीं प्रदान करें बल्कि जीवन व्यवहार की शिक्षा विद्यार्थियों को दें, उन्हें संस्कारित कर जीवन के आदर्श पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें। विश्वविद्यालय शिक्षा और संस्कार के मंदिर कहे जाते हैं। यहां श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त चरित्र निर्माण के साथ साथ विद्यार्थी को समाज और राष्ट्र की सेवा में
योगदान करने के योग बनाने का कार्य होना चाहिए। हमारा देश युवाओं का राष्ट्र है। आजादी के 75वें वर्ष में देश के कोने कोने में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। युवाओं को चाहिए कि वे स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने सामर्थ्य और कौशल से विश्व शक्ति के रूप में उभरते नए भारत के निर्माण का संकल्प लें, अपने सपनों को उड़ान दें और परिश्रम के तप तथा इच्छा शक्ति से प्रगति की नई बुलंदियों को छुएं। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज के स्वास्थ्य प्रहरी हैं। मैं चाहता हूं आयुर्वेद और आयुष पद्धतियों के माध्यम से देश और राज्य के निवासियों की स्वास्थ्य सेवा पूर्ण मनोयोग से करने का आज के दिन आप सभी संकल्प लें। गरीब और जरूरतमंद रोगियों की विशेष रूप से सेवा करें। भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद का आरंभ से ही विशेष महत्व रहा है। वेदों में उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र जीवन विज्ञान का नाम ही आयुर्वेद है। अथर्ववेद में शल्य विद्या, विभिन्न संक्रामक रोगों की चिकित्सा, स्त्री रोगों के लिए जड़ी बूटियों से बनी दवाओं के महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। अथर्ववेद के मंत्रों में शरीर की बनावट, शरीर विद्या और उससे जुड़ी औषधियों तथा इलाज आदि पर महत्वपूर्ण विमर्श है। आत्रेय, चरक, सुश्रुत आदि द्वारा प्रवर्तित चिकित्सा आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के बारे में अभी कुछ समय से पढ़ रहा हूं, उनमें आए संदर्भों को देख बहुत आश्चर्य हुआ कि अथर्ववेद के प्रणेता ऋषिगण ये भी जानते थे कौन कौन सी बीमारियां वंशानुक्रम से चली जाती हैं। इस वेद में त्रिधातु यानी वायु, पित्त और कब से उत्पन्न रोगों और उपचार का विशद वर्णन है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमार द्वारा कैसे विज्जला के टूटे पांव में लोहे का पांव जोड़ दिया गया था, इसका भी वर्णन है। अश्विनी कुमार ने कर्ण, ऋजाश्व आदि के अंधेपन का भी इलाज उस समय में आयुर्वेद की पद्धतियों से ही किया था। हमारे वैदिक समय से ही आयुर्वेद का ज्ञान कितना अधिक हमारे यहां विकसित रहा है, ये सोचने का विषय है। मैं चाहता हूं आयुर्वेद का यह जो प्राचीन ज्ञान है आधुनिक संदर्भ में जीवंत करने के लिए भी आपका विश्वविद्यालय नवीन मारे जाते हैं तो उनके बहुत अच्छे परिणाम आम जन के हित में आ सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में औषधि का अर्थ है वेदना को दूर करने वाली वस्तु। वेदों में औषधि के लिए माता शब्द भी आता है। अब देखिए कितना गहरा अर्थ है। आयुर्वेद में औषधि दी जाती है, औषधि यानी मां की तरह आपकी वेदना को जो दूर कर देती है। आयुर्वेद के असाध्य से असाध्य रोग के इलाज और कहीं कहीं तो मृत प्राय हो चुके शरीर तक को जिंदा करने का कार्य प्राचीन काल से किया जाता रहा है। हनुमान मृत संजीवनी, सुवर्ण करनी और संधान करनी ही तो लक्ष्मण के लिए लेकर आए थे। महाभारत में भीम की विषपान से मुक्ति आयुर्वेदीय औषधि से ही हुई थी। आधुनिक संदर्भों में कैसे आयुर्वेद फिर से प्रासंगिक हो, इस पर हम सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। आपका यह विश्वविद्यालय
देश का अपनी तरह का अद्वितीय और अपने तरह का अति आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि विगत वर्ष कोविड महामारी के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गिलों पर किए गए शोध कार्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव प्रेरणा का विषय है। इसी तरह के और शोध यहां हो और आपका विश्वविद्यालय विश्व का उत्कृष्ट आयुर्वेद शिक्षा केंद्र बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मुझे बताया गया है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को समुन्नत करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 50 करोड़ रुपए की लागत से विशेष कॉटेज संकुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो रहा है। यह बहुत अच्छी पहल है। इससे आयुर्वेद पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का विश्वभर में नाम होगा, मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद का ज्ञान स्वयं सिद्ध शाश्वत है। इसमें खान पान, जीवन शैली, आचार विचार को चिकित्सा में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसमें प्रज्ञा अपराध की जो अवधारणा है वह वर्तमान समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। न करने योग्य कार्यों में भी व्यक्ति जानबूझकर लोभ के वशीभूत होकर प्रवृत्त हो जाता है, तो नियमों के विरुद्ध जानबूझकर किया गया यह कार्य प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। यह स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। इसी तरह आयुर्वेद में ऋतुओं का भी बहुत महत्व है। इसी के अनुसार व्यक्ति को अपना खान पान और जीवन शैली निर्धारित करनी चाहिए। अलग अलग कालखंडों में देश में सुश्रुत, चरक, वाग्भट, नागार्जुन इत्यादि आयुर्वेद के महान आचार्यों ने विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति से आम जन को लाभान्वित किया है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि भारतीय मनीषा के इन प्रसिद्ध आचार्यों को आदर्श मानते हुए हमारे इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर अधिकाधिक अनुसंधान के कार्य हाथ में लें। यह जानना सुखद है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा IIT तथा अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ शोध और अनुसंधान से संबंधित किए गए। इनसे आयुर्वेद के विभिन्न सिद्धांतों की विज्ञान सम्मत व्याख्या हो सकेगी और भविष्य में महत्वपूर्ण परिणाम आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में संविधान पार्क, सभागार एवं चिकित्सालय भवन के विस्तार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। आज मैंने संविधान पार्क का लोकार्पण भी किया है। बाकी के भी कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम सभी जानते हैं कि COVID-19 महामारी के इस दौर में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोविड से बचाव या प्रशिक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए घर घर आयुर्वेद की जड़ी बूटियां गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, च्यवनप्राश इत्यादि का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया गया। इसके बेहतर परिणाम आए। स्वास्थ्य जीवन का आधार है। इसे ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को ज्ञान का अधिकाधिक प्रसार किए जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं इस दिशा में आपका विश्वविद्यालय निरंतर कार्य करे।
दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं। अध्ययन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके उपाधियां और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातकों एवं अधिस्नातकों को मैं बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वविद्यालय देश का श्रेष्ठ आयुष शिक्षण और अनुसंधान केंद्र बने। आप सभी को दीक्षांत समारोह पर पुनः बहुत बधाई और स्वस्थ कामना। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी आज्ञा है दीक्षांत समारोह का समापन किया जावे? हाँ, आज्ञा है। मैं इस दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय आयुर्वेद।